हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रुझानों में एनडीए ने फिर से बढ़त बनाई। एनडीए ने एक बार फिर से बढ़त बना दी है। सुमित, सुबह कुछ और था मामला, अभी 10 बजते बजते ये देखिए 120 नीतीश प्लस, पहली दफा 120 प्लस और तेजस्वी 113। मेरे ख्याल से शुभरास्ता का रिएक्शन ले लेना चाहिए। शुभरास्ता पहले परेशान थी, चेहरे पे पहली बार मुस्कुराहट आई है। नहीं, मैं लगातार मुस्कुरा रही हूँ, ये एक आक्षेप मत लगाइए मेरे ऊपर। नहीं, मैं अभी भी कह रही हूँ ये सब कुछ अभी भी मैं ट्रेंड ही बोलूंगा बिल्कुल। और अल्टीमेटली सरकार किसी की भी बनेगी। सुमित जी, मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ, ईवीएम का रोना। विजय विद्रोही कुछ कहना चाह रहे हैं, पासवान के बंगले में किसको मिलेगा आसरा? देखिए, पासवान को 5.5% वोट अभी तक मिल रहा है ईएसआई के आंकड़ों के अनुसार, इलेक्शन कमीशन के अनुसार। ये इम्पोर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि अगर ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें तेजस्वी की पार्टी लगातार कम होती जा रही है, उसके लिए कांग्रेस बड़ी जिम्मेदार है। 71 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, रुझानों में सिर्फ 7 में ईएसआई। एक बार डबल इंजन की सरकार, जोर लगाया डबल इंजन ने और ये देखिए 120 नीतीश प्लस, आंकड़ा बदल रहा है तेजस्वी प्लस 113। सुमित, 120, 113, 8 और 2, 120 और 8 जो एनडीए के दिख रहे हैं उसमें बीजेपी के भागी बहुत सारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, उसमें काफी बीजेपी के लोग हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं सुमित जी, जो अभी संगीता कह रही थी नीतीश के प्रति गुस्सा है, इस स्टैंड को कोई भी इनकरेक्ट नहीं करने जा रहा है। इसमें मोदी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार इलेक्शन में, जिसको कभी भी हम लोग अपनी व्याख्या में स्वीकार नहीं करें। क्या रोल है, मतलब अच्छा है कि पॉजिटिव? 3 उनकी वजह से जीत रहे हैं, उनकी वजह से इनका संभला है, नहीं तो नीतीश के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा है अभी। सर, मैंने आपको आराम से एलजेपी के रामेश्वर प्रसाद चौरसिया पीछे चल रहे हैं। सुमित जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कांग्रेस एक दर्जन ऐसे सीट है जहां कांग्रेस के प्रत्याशी महागठबंधन के वोट के ऐड होने के बावजूद भी लड़ाई में नहीं है, उसका आपको परिणाम दिख रहा है कि कांग्रेस ओनली 23। पर अभी भी रुझान है ये, अभी भी रुझान है ये। नहीं, है क्या महागठबंधन? देखिए, ये कहना तो बहुत जल्दी होगी, लेकिन अगर तेजस्वी अगर तेजस्वी की सरकार नहीं बनती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस लायबिलिटी साबित होगी। इसी तरह से अगर नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनती है तो ये बातें, ये देखिए अभी बहुत शुरुआती ट्रेंड है। मुझे लगता है 12-12.5 से पहले ये ट्रेंड जो है वो कोई निश्चित संकेत नहीं देंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए, राजीव रंजन जेडीयू के प्रवक्ता और जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवक्ता। स्वागत है आप दोनों का। जफर इस्लाम साहब, 119 लगता है कि सरकार बनाने के बहुत करीब है एनडीए, 119 पर आपका आंकड़ा। देखिए सुमित जी, जैसा सभी लोग कह रहे हैं कि शुरुआती रुझान है, लेकिन जो हमें जमीनी फीडबैक है उसके मुताबिक हम बिल्कुल आगे बढ़ते जाएंगे और एनडीए बिल्कुल सरकार बनाने में से जितनी सीटें की दरकार है उससे बहुत ज्यादा सीटें लेकर आएगी। आप देखिए, यहाँ पर आज अभी जो आपके स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ उसमें जेडीयू के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे है, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा दिख रहा है, बीजेपी का बहुत अच्छा दिख रहा है, आरजेडी का भी दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस जो है वो वहां ड्रैग है। मैं एक बार रुकिए ना, आप तो साथी हैं दोनों, आप दोनों तो साथी हैं गठबंधन के। आपने जेडीयू की तारीफ की, राजीव रंजन मेरे साथ बने हुए हैं। राजीव जी, मुझे तो आंकड़ों के हिसाब से रुझानों में आपका स्ट्राइक रेट चिंतनीय लगता है, चिंताजनक लगता है। जैसा आपको करना चाहिए था वैसे करते पार्टी नहीं दिख रही है। एंटी इनकम्बेंसी 15 साल। देखिए, सबसे पहली बात है एनडीए को बढ़त है तो सबसे पहले मतदाताओं को शुरुआती रुझान के लिए तो मैं धन्यवाद जरूर दूंगा। अभी तो बहुत कुछ समय के साथ बदलता जाएगा, लेकिन मुझे विश्वास है एनडीए के आंकड़े भी सुधरेंगे और साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों की हालत भी बेहतर होती चली जाएगी। दरअसल अभी भी, मैंने कल भी कहा, मूक और मुखर मतदाताओं का फर्क जैसे जैसे चुनाव के अगले मतगणना के अगले चरण आपके सामने आते जाएंगे आप देखेंगे। राजीव जी, आप जिसको मूक और मुखर कह रहे हैं उसको हमारे विजय विद्रोही ने नाम दिया है, उसके चुप्पा और कुप्पा, चुप्पा और कुप्पा ये नाम दिया विजय विद्रोही ने। उन मतदाताओं की बात करेंगे, लेकिन दरअसल बीजेपी की सीटें कहां से आ रही हैं ये समझना बहुत जरूरी है। चलते हैं रूबिका के पास। देखिए, बीजेपी ये सीटें लाख आ रही है, लाख कहां से रही है अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। उत्तर बिहार गंगा के उस पार जब पहुंचते हैं आप तो आता है उत्तर बिहार और यहीं से देखिए नीतीश प्लस 45,
तेजस्वी प्लस 27 पासवान के खाते में एक और यहां अन्य के पास कुछ नहीं जा रहा है। यही उत्तर बिहार से ये जो नेपाल से बॉर्डर करता हुआ इलाका है यहां पर अच्छी खासी बैच है बीजेपी की और यहीं से सीटें आ रही है। अब आपको बताते हैं आरजेडी की सीटें कहां से आ रही है। आरजेडी के दबदबे वाला वो इलाका है मगध भोजपुर का इलाका। आंकड़ों के लिहाज से आप समझिए क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक रुझान बता रहे हैं नीतीश प्लस यहां पर 23 पर है, लेकिन तेजस्वी प्लस 44 सीटें यहां मगध भोजपुर इलाके से लाते हुए पासवान ने खाता जरूर यहां पर खोला है एक सीट, लेकिन यहां भी देखिए लड़ाई इतनी तगड़ी कि अन्य के खाते में महज एक सीट जाती है। तो ये वो इलाके हैं सुमित जहां से आ रही है आरजेडी और एनडीए को अपनी अपनी सीटें। और इन इलाकों को लेकर वाकई में देखकर ऐसा लग रहा है कि अरविंद जी आपका जो हिसाब किताब था वो शायद गड़बड़ा है। नहीं, नॉर्थ मैं कह रहा हूँ कि नॉर्थ का रिजल्ट मेरी उम्मीद से काफी डिफरेंट आ रहा है और अभी भी मुझे लग रहा है कि वो रिजल्ट बदलेगा, क्योंकि क्योंकि नॉर्थ का जो मैं जानता हूँ और जिस किस्म की लड़ाई की रिपोर्ट है उसमें मुझे लगता है कि नॉर्थ का रिजल्ट अभी भी बदलेगा। देखिए जो एबीपी का एग्जिट पोल था उसमें ये बताया गया था कि सेकेंड और थर्ड फेज में बीजेपी ने मतलब एनडीए ने इम्प्रूव किया है और वो इन आंकड़ों में दिखाई दे रहा है जो इसके स्ट्रॉन्ग होल्ड थे। आकाशवाणी रुझानों में एनडीए ने एक बार फिर 120 का आंकड़ा छुआ। 120 का आंकड़ा एनडीए छू रही है। आपको लगता नहीं है कि परिस्थितियां बीजेपी और जेडीयू के लिए ज्यादा फायदेमंद? मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि मैं निर्वाचन आयोग देख रहा हूँ। माफ करिएगा, 121 पर पहुंच गया है रुझानों में एनडीए, पहली बार 121 पर पहुंचा है, सिर्फ एक सीट कम है। एग्जैक्ट मिडवे मार्क पर आ चुका है एनडीए 121 पर। 122 होते सही सरकार बनाने का दावा भी एनडीए के खाते में आ सकता है रुझानों में। फिर क्लियर कर दें रुझानों में, शुभ्रास्ता खुश? इसके पहले भी मैंने कहा था, मैं दोबारा रिपीट करूंगी, बीजेपी और आरजेडी लड़ाई इन्हीं दोनों बीच की है, बाकी मैटर नहीं करते इस इलेक्शन में। संबित पात्रा के सुमित ये पलटेगा, मुझे पता है ये पलटेगा, मैं परेशान नहीं। ये जो अभी लीड ले रहे हैं ये चेंज होगी सिचुएशन, मैंने 135 अबव बोला। लेकिन मैं तो ईएसआई के आंकड़े पे, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े पे लगातार हूँ, 133 के रुझान है, उसके अंदर बीजेपी नीतीश प्लस को 67 सीटें और 60 सीटें तेजस्वी की, लेकिन रुझानों में 6-7 सीटें ज्यादा हैं इस समय एनडीए, लेकिन अब तेजस्वी की पार्टी पहले नंबर की पार्टी हो गई है, 40 सीटों पर आ गए है, बीजेपी 35 सीटों पर आ गए है। बड़ी पार्टी आरजेडी है, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी यहाँ पर, लेकिन आप कुछ कहना चाह रही है संगीता? मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं देख रही हूँ जो रुझान आ रहे हैं उसमें अगर हम क्षेत्रवार जाएं तो एनडीए उन जगहों पे मजबूत बढ़त ले रहा है जो उसके गढ़ माने जाते हैं। थोड़ी देर पहले जब हम उत्तर बिहार की बात कर रहे थे तो मामला कहीं बराबरी पे दिख रहा था, लेकिन अब साफ तौर पे एक वो दिख रहा है, गैप दिख रहा है जिस तरह से एनडीए ने वहाँ पर अपनी बढ़त बनाई है। तो ऐसा लग रहा है कि जो कोर वोटर है वो साफ तौर पे एनडीए के साथ अपना टिका रहा है अभी तक के रुझान देख के लग रहा है, क्योंकि ये एनडीए का गढ़ माना जाता है। और जो कोर वोटर है, बहुत बड़ा उलट फेर इस वक्त, बहुत बड़ा उलट फेर, एनडीए को बहुमत मिला, बहुत बड़ा उलट फेर। ये देखिए 10 बजे से पहले तक क्या कहा जा रहा था कि तेजस्वी प्लस सरकार बना लेगी, आरजेडी सरकार बना लेगी, महागठबंधन इस बार सिंहासन के बहुत करीब, लेकिन नीतीश प्लस देखिए सरकार बना चुकी रुझानों में, एनडीए को बहुमत मिल गया है, 123 नीतीश प्लस, तेजस्वी प्लस 111, पासवान के खाते में 7, अन्य के खाते में 2। में जल्दी से क्विक रिएक्शन रुझानों में पहली बार, लेकिन उससे पहले हारमोनियम बच चला। जी देखिए अभी जिस तरीके का रुझान आ रहा है हमको लग रहा है कि ये पासवान और दो अन्य जो हैं ये बहुत बड़ा करेंगे उलट फेर। तो इसके इनके लिए कहना है कि क्या प्रलोभन मिलेगा इनको, कुछ ऐसा कर कमा के तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल, मैं किसी और का हूँ तेरा हो जाऊं, वो थोड़ा ज्यादा दे दे मां कि तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूं फिलहाल, तेरा हो जाऊं।
हाँ भाई अभी अखाड़ा चालू है, उठा पटक दल धुम्मा, अभी चालू, अभी तो दस बजा है, अभी तो अंगराई है, लालू माने वाला है हार, तब तवा में लालू हार माने वाला है। आकाश में अकेले दम पर एनडीए 125 पे पहुंच चुकी है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, एनडीए अपने दम पर रुझानों में 125 पर पहुंच गया है। पहली बार एनडीए की इस अपनी दम पर सरकार बनने की स्थिति दिखाई दे रही है और पहली बार तेजस्वी का गठबंधन 109 पर आ गया है, यूपीए 109 पर आ गया और ये वाकई में बद्रीश जी को परेशान कर रहा है। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव हसनपुर से पीछे चल रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तेज प्रताप हसनपुर से पीछे चल रहे हैं, वोटिंग डालने के लिए नहीं पहुंचे थे मतदान केंद्र, क्योंकि कहा जा रहा था उनका हसनपुर में होना जरूरी है, लेकिन फिलहाल खबर ये कि बड़े भाई तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के पीछे चल रहे हैं। सुमित जी हमें परेशान नहीं कर रहा है, हम बस ये कहना चाहते हैं कि इसमें जो मोदी हवा में तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं इतनी हवा में। हाँ, तेज प्रताप यादव का पीछे चलना एक बहुत बड़ी दुर्घटना है, जिस घटना की दुर्घटना कह सकते हैं, उनके दुर्घटना उनके लिहाज से दुर्घटना, हमारे लिहाज से घटना, जिसकी व्याख्या की जानी चाहिए। हम पार्टी के जीतन राम मांझी इमामगंज से पीछे चल रहे हैं। जो मैं कह रही थी कि अभी ये एक एक ईवीएम खुल रहा है, मशीनें खुल रही हैं, कुछ सीटों का गैप है, कोई आगे कोई पीछे, ये चलता रहेगा अभी। डबल इंजन। सुमित देखिए, डबल इंजन लगातार तेजी से रफ्तार पकड़ता हुआ ट्रैक पर दोबारा आ गया है। डबल इंजन की सरकार बनती हुई दिख भी रही है रुझानों में। 243 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 125 पर नीतीश प्लस तेजस्वी, 109 पर तमाम मेहमान जो सुबह से अपने अपने आंकड़े दे बैठे थे, उनसे मैं लेना चाहूंगी रिएक्शन। दिबांग, गुड मॉर्निंग। आंकड़े क्या कह रहे हैं? देखिए, आंकड़े अभी भी बहुत शुरुआती आंकड़े हैं और ये ऊपर नीचे जा सकते हैं। हमने पहले ही ऊपर नीचे जा सकते हैं। एक मिनट, सुमित से मैं पहले ही ये कह रहा था कि जिस तरह से अगर बैलेट में खुले हैं तो आंकड़े 160-170 तक जाने चाहिए, वो तब जा नहीं रहे थे, तब से उस पर एक तरीके से ब्रेक लगा हुआ। ओके, लेकिन 243 के रुझान तो आ चुके हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ईवीएम खुले हुए मुश्किल से अभी 15-20 मिनट हुए हैं, अभी कम से कम 1-1.5 घंटा और लगेगा, 1.5 घंटा और इंतजार। मुझे भी लगता है कि इसमें बदलाव आएगा, लेकिन दो बातें हैं रूपिका। एक तो ये कि आप बात करती थी कोर वोटर्स, ट्रेडिशनल वोटर्स की, और साथ ही जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उसको देखने की। दूसरा ये कि जो विमेन है, जो साइलेंट फोर्स की हम बात कर रहे हैं, चुप्पा वोटर्स, ये चुप्पा वोटर्स का रुझान सामने आए तो ज्यादा पता चलेगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि एबीपी का जो एग्जिट पोल था उसके बहुत करीब दिख रहा है। यानी कांटे की टक्कर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है? डबल इंजन में दोनों इंजन एक दूसरे के खिलाफ खींच रहे थे, अगर एक साथ लगे होते तो अब तक रिजल्ट और होता। ये परिस्थिति जो कह रही है ऋषि जी, ये तो आपकी तमाम धारणाओं को बदल रही है। मैं अभी भी कायम हूँ, 120-130 महागठबंधन रहेगी। आप पासवान का टैली देखिए, 7-7 पे पासवान आगे हैं और कई ऐसे सीटें जहाँ पासवान के कैंडिडेट 10-20-25 हज़ार वोट काटेंगे। तो ये जो टैली आपको एनडीए का देख रही है, दिख रहा है, वो घटेगा। कैसे घटेगा? बढ़ रहा है वो, शुरुआत है, आप देखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये आंकड़े बदले या ना बदले, इसमें जो मोदी फैक्टर की व्याख्या ठीक से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। मोदी, क्योंकि हम जब क्षेत्र में घूम रहे थे तो महिलाएं कह रही थी कि भाई हमें तो मोदी जी ने जनधन योजना दिया, ये उज्ज्वला योजना दिया, तो महिलाएं नीतीश से ज्यादा मोदी की लोकप्रियता महिलाओं में बढ़ी है, इसको हम नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। बद्री जी, एक बात जो आप कह रहे हैं, वो MY फैक्टर जो था ना, मुस्लिम यादव, उसमें एक और जुड़ा था, महिला और यूथ हो गया था। नहीं, MY बदल के महिला यूथ हो गया। नहीं, देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी हो या कोई दूसरा राष्ट्रीय नेता हो किसी पार्टी का, वो इंक्रीमेंटल वोट लाता है स्टेट इलेक्शन में। आपके पास 80 है तो आपका नेशनल लीडर उसको 100 कर सकता है, मतलब खोने को कुछ नहीं होता। लेकिन अगर 50 है तो वो 100 नहीं कर सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि मोदी के अपील के बावजूद कई राज्य हार गई बीजेपी। मतलब जीते तो मोदी, हारे तो नीतीश? नहीं, ऐसा नहीं है, हारे तो दोनों और जीते तो निश्चित रूप से ये मोदी के फैक्टर का असर है। ओके, बद्री जी कुछ? देखिए, ये महिलाओं के वोट में जो शिफ्ट है उसमें मोदी एक बड़ा फैक्टर है। पहले विमेन क्लियर कहे जाते थे नीतीश, लेकिन बिहार में इस बार मोदी इस लोकप्रियता। लेकिन RJD को नहीं गया है महिला वोट? RJD को उस तरह से नहीं गया है, युवा महिलाओं का वोट RJD को गया है, बट पुरानी महिलाएं मध्य। मेरे ख्याल से हमको थोड़ा सब्र करना चाहिए, अभी भी ये पहला राउंड ही चल रहा है, 33 राउंड होने हैं, खत्म होते होते दोपहर के 3 बज जाएंगे, तो इंतजार करना चाहिए, हो सकता है कि और लेट भी हो जाए। लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे थे इन आंकड़ों
हाँ मैं यही कह, क्यों हुआ 125 तक एनडीए कैसे वोट किया, कहां पर तमाम सेफोलॉजिस्ट गलत साबित हो रहे हैं? देखिए मुझे नहीं लगता कि अब की बारी तमाम सेफोलॉजिस्ट गलत साबित होंगे। उसका कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि अभी 33 में से पहला राउंड शुरू हुआ है, अभी तक जो है अधिकांश अर्बन सीट्स हैं। अगर आप निर्वाचन आयोग के डेटा को देखें तो वोट शेयर में आरजेडी बीजेपी के थोड़े आगे है और सीटों के अंदर 7-8 सीटों में आगे है। पूरी कुछ और अपडेट आया है, कुछ और बड़ी खबर ये कि गठबंधन थोड़ी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहा है, 112 पर पहुंच गया है, 3 और सीटें कहीं से, एनडीए 124 पर, महागठबंधन 112 पर। जैसा यहां पर तमाम जो हमारे सहयोगी है वो ये बता रहे हैं कि देखिए अभी 1.5 घंटा और हमें इंतजार करना चाहिए, जहां कांटे की टक्कर है। दो रीजन पहले बता चुके थे हम, जैसे मगध भोजपुर वहां आरजेडी, उत्तर बिहार वहां पर बीजेपी, लेकिन जहां कांटे की टक्कर है, जरा अब वो इलाका आपको बता देते हैं, मिथिलांचल में सीधे तौर पर कांटे की टक्कर दिख रही है। नीतीश प्लस 29 पर है, तेजस्वी आप यहां पर देख लिए 19 पर है, पासवान को 2 सीटें, अन्य के खाते में कुछ भी नहीं, लेकिन मिथिलांचल की उस 50 सीटों पर कांटे की टक्कर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब जरा अंग प्रदेश आप देखिए, बिहार की है 5 उंगलियां, 5 अलग अलग इलाके, अंग प्रदेश में भी कांटे की टक्कर खबर ये मिल रही है। सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे, इतना हम वादा कर सकते हैं। अभी नीतीश प्लस 122 पर, तेजस्वी 114 पर, लगातार आगे बढ़ रहे हैं तेजस्वी, और ये अंग प्रदेश 27 सीटों पर कांटे की टक्कर, एक सीट ऊपर नीचे और मामला फंस सकता है। नीतीश प्लस 13 पर, तेजस्वी प्लस 12 पर, पासवान के खाते में 2 सीटें, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये वो इलाके जहां पर मिथिलांचल देख लीजिए, अंग प्रदेश देख लीजिए, कांटे की टक्कर साफ दिख रही है, लेकिन आप नीतीश 122 पर और तेजस्वी प्लस 114 पर। अब सीमांचल का इलाका आपको दिखा देते हैं, MY फैक्टर अगर कहीं से निकल कर आता है तो वो सीमांचल से निकल कर आता है। नीतीश प्लस 11, तेजस्वी प्लस 10, अन्य के खाते में इसमें AIMIM हो सकती है 1, और पासवान के खाते में आप देखिए 1 सीट आई है, लेकिन 10 और 11 यहां भी कांटे की टक्कर। सुमित, ये 3 वो मजबूत इलाके जहां पर कांटे की टक्कर दोनों पार्टियों को। इसमें सबसे अहम सवाल हो जाएगा, अगर हंग असेंबली आ रही है तो रामविलास पासवान की पार्टी ने चिराग पासवान किस तरफ जाएंगे, तेजस्वी के साथ जाएंगे या नीतीश कुमार के खिलाफ, या नीतीश कुमार के साथ जाएंगे? माइनस नीतीश कुमार जा सकते हैं। क्यों? वहां मोदी रहेंगे, मोदी लेके जाएंगे, हनुमान है वो तो। या हो सकता है कि तेजस्वी यादव क्या कहते हैं चिराग पासवान को केंद्र में भेज दिया जाए और सीट तो कहीं भी जा सकते हैं ना। एनडीए में रहेंगे, एनडीए में तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान होगा उनका। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, मुझे लगता है कि चिराग पासवान अगर तेजस्वी यादव के पास जाते हैं तो चिराग को हमेशा लगता रहा कि रामविलास पासवान केंद्र की राजनीति करते रहे, लालू और नीतीश प्रदेश में थे इसलिए वो वहां के नेता बन गए, तो तेजस्वी के अंडर में जाते ही वो नंबर 2 के नेता हो जाएंगे, जो चिराग नहीं चाहते। चिराग की कोशिश है कि वो अपनी पार्टी, अपना जनाधार खड़ा करें। विजय जी, थोड़ा 2005 फरवरी की याद दिला दूं, तब भी यही स्थिति बनी थी हंग असेंबली की, और पासवान की पार्टी को 29 वोट मिले थे, लेकिन वो किसी दूसरे पक्ष की तरफ नहीं गए थे, लालू के पास हम गए थे मिलने, तो लालू वॉल क्लॉक लेके बैठे हुए थे और पेंडुलम होता है उसको ऐसे हिलाते थे और कहते थे ई है पासवान, पेंडुलम हो रहा है। तो अभी चिराग की स्थिति वही है। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता चिराग वो गलती करेंगे जो उनके पिता ने की थी, वो किसी के साथ नहीं गए, दोबारा चुनाव हुए 6 महीने बाद और उसके अंदर पासवान की पार्टी शायद 3 या। एक बार अरविंद जी की राय जरूर लेना चाहूंगा। अरविंद जी, चिराग पासवान के लिए कहां जाना ज्यादा आसान रहेगा, एनडीए के साथ कि यूपीए के साथ? अभी की स्थिति से तो दिख रहा है कि चिराग पासवान एक डिसिसिव रोल में हो सकते हैं, मुझे अभी भी वो नहीं लगता, लेकिन अभी की गिनती भी अगर करें तो भी मुझे लग रहा है कि उनको आरजेडी के साथ जाने में ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आगे की पॉलिटिक्स में उनको यही। आंकड़ा जो है फिर से पलट गया है, अब आपको बताते हैं एनडीए 125 की तरह 2 और सीटें जुड़ चुकी है, महागठबंधन का ये आंकड़ा घटा 110, 125 से 110, सभी 243 सीटों के रुझान आ चुके हैं। फिर आपको बता दूं एनडीए सरकार बनाती हुई 125 और तेजस्वी प्लस 110। संगीता क्या लगता है, अभी अभी 1.5 घंटा हमें और इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल इंतजार करना चाहिए, लेकिन रूबिका बिहार की राजनीति में ये देखना होगा कि पिछले सालों में जो चुनाव हुए हैं 3 मुख्य ताकतें रही हैं, उसमें से 2 जब एक साथ जुड़ गई हैं तो उन्होंने सरकार बनाई है।
तो इस बार जेडीयू बीजेपी साथ है, तेजस्वी अलग है, कांग्रेस के साथ वो लड़ रहे हैं। अब तेजस्वी के सामने चुनौती है कि वो इतनी सीटें तभी हासिल कर पाएंगे जब कोई लहर हो और जाति से ऊपर उठ के, सामाजिक आधार से ऊपर उठ के बिहार के लोगों ने किसी मुद्दे के लिए वोट किया। दो बड़ी बातें आप कह रही हैं, या तो लहर हो और या फिर बदलाव की जो है वो अंदर एक एक क्रेज आता है कि नहीं इस बार बदलाव करके रखना है। आपको लगता है बदलाव होने वाला है? मैं बस इतना ही जानती हूँ कि जनता ने जो भी फैसला लिया होगा वो युवाओं को ध्यान में रखकर ही लिया होगा। तो 10 लाख नौकरियां दे रहे हैं युवाओं को, वो तो 19 लाख नौकरी का भी वादा है। वो तो रोजगार सृजन का वादा है, जो उसमें पकौड़े हो या रोजगार सृजन हो या कुछ भी हो, अल्टीमेटली 19 और 10 में बड़ा जो होता है, अगर जनता रोजगार वाला बैटल तो तेजस्वी जीते हैं। मैं आती हूँ, विजय एक मैं आता हूँ। शशि शेखर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि जी, 124 एनडीए, 110 तेजस्वी, बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है। तमाम खास मेहमान है, सापरा साहब भी जुड़ गए हैं, राजीव रंजन भी है, लेकिन मेरा रिएक्शन शशि जी आपसे लेना चाहूंगा पहले। मैं सिर्फ इसी पर टिप्पणी करूंगा, जो अभी की स्थिति है, हालांकि यह स्थिति भी बदल सकती है, जैसे सुबह जी तो ये स्थिति फिर बदल सकती है, पर बिहार में ये मान लेना गलत होगा कि लड़ाई एक तरफा हो गई। तो इसी पर अगर टिप्पणी करें तो ये बिल्कुल आमने सामने की टक्कर है, पर इसके दो तीन निहितार्थ बहुत साफ है। एनडीए अगर बचा लेता है अपनी सत्ता को तो इतनी बड़ी बात मैं इसको इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि नीतीश कुमार एक टावरिंग लीडर है वहाँ पर, बीजेपी के पास बड़े बड़े लीडर थे, प्रधानमंत्री की शक्ति उनके साथ थी। लेकिन तेजस्वी यादव यदि 100 के ऊपर सीटें ले जाते हैं तो मैं तेजस्वी यादव को जरूर कहूंगा कि बिहार में एक नया नेतृत्व जरूर पैदा हो गया है और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में दो नए चेहरे बड़े खास तौर पर असरकारी हो। लेकिन ये अभी की स्थिति में बोल रहा हूं। बिल्कुल अभी की स्थिति में, 122 एनडीए है, 112 यूपीए है, और सापरा साहब ऐसा लग रहा है कि पास आके भी बहुत दूर ना रह जाएं। चरणजीत सापरा, कांग्रेस के प्रवक्ता। देखिए अभी तो ये रुझान है और मेरे ख्याल से अभी 1.5-2 घंटा और हमको तो देखना पड़ेगा, ये इसी तरह से उथल पुथल चलता रहेगा, कहीं 10 सीटें उनकी आगे या 8 हमारी आगे या 10 हमारी आगे, इस तरह से चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर के इस तरह से नजर आ रहा है कि बिहार की जनता ने एनडीए से कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का प्रयास किया है और अंततः आपको दिखेगा करीबन 1.5 घंटे के बाद में कि डबल इंजन पे ये डबल युवराज भारी नजर आएगा। अभी नॉर्थ बिहार के जो नतीजे आप दिखा रहे हैं, ठीक है, हमारा जो आकलन है नॉर्थ बिहार के अंदर हमारे तरफ से बहुत सारे नए नए आने। सपरा साहब, मैं लौटता हूँ, अजय कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यही स्थिति रही 122 112 6 और 3 तो किंग मेकर बन जाएंगे आप। अजय कुमार, कहाँ जाएगी ये चाबी, एनडीए के पास की यूपीए के पास, कौन अच्छा ज्यादा बेहतर है आपके लिए? नहीं, देखिए मैं सब बड़े ध्यान से सुन रहा था, अभी तो सर्वे में हमारी 32 गुनती गई थी, अभी 6 सीट दिखा रहे हैं, अभी इंतजार कीजिए, हम 18 से 20 सीट लेकर के आएंगे और जो हमारा नारा था बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट वही नारा रहेगा। मैं सभी विपक्ष जनों को यहाँ याद दिला दूँ, तो कौन सा बिहारी फर्स्ट है आपके लिए? अजय जी सीधे सीधे बात करिए ना, लाइव टीवी डिबेट में है, बिहारी फर्स्ट कौन है आपके लिए, नीतीश की तेजस्वी? मैं उसी पे आ रहा हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी का ये इतिहास रहा है कि उसने पोस्ट कोल अलायंस कभी नहीं किया। हम चुनाव में जाने से पहले गठबंधन करते हैं, हमने मौसम की हवा अपने बड़े भाई को बताने की कोशिश की, अब उन्हें समझ में नहीं आई, जीती हुई बाजी हार रहे, 67% वोट पे बैठे थे। तो आप गठबंधन नहीं करेंगे, तो आप किसी की भी सरकार नहीं बनाएंगे, नहीं होता, आप विपक्ष में बैठेंगे। घोषणा है, हमारी घोषणा है, हम विपक्ष में बैठेंगे, हम नीतीश कुमार जी को आपके आपके जो ये 6 लोग जीत रहे हैं ना, वो बीजेपी के बागी हैं, राजेंद्र सिंह जी हैं इसमें एक, ऐसे और भी बागी हैं, उनका क्या भरोसा? अब हम भी तो वोट कटवा थे, तो अगर ये बगावत है जनता की आवाज बनना तो ये बगावत हमें ये जुर्म कबूल है। राजीव जी, मैं एक बार पटना चलते हैं, ग्राउंड की रिपोर्ट लेके आते हैं, आरजेडी के दफ्तर के बाहर काफी हलचल पटना में दिखाई दे रही है, चलते हैं सीधे पटना। पटना की तस्वीरें हैं ये, पटना से आरजेडी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें,
सुमित, कहा गया था ना कि किसी तरह का कोई जश्न नहीं मनेगा, कोई बाहर इकट्ठा नहीं होगा, कोई किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से 10 बजे रुझान आने लगे थे वो पटाखे, क्योंकि पिछली बार तो देखा था बीजेपी तो लड्डू खिलाने लगी थी, तो ये जब आरजेडी की तरफ से सोशल मीडिया पर बकायदा लिख दिया गया तो बहुत काडर की तरह देखिए बिहेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं कार्यकर्ता आरजेडी के। अभी इंतजार कर रहे हैं, जब होगा इशारा तभी कटेगा केक। क्यों संगीता? जाहिर सी बात है कि पिछले चुनाव का अगर देखें 2015 में लड्डू भी बट गए थे और फिर पूरा का पूरा नतीजा पलट गया था, जो रुझान थे वो पूरे नतीजों में पलट गए थे, तो इसीलिए एहतियात बरत रहे हैं और आरजेडी की अपनी छवि रही है। एक सेकंड, सुरक्षा बल जो है वो तैनात कर दिए गए। मैं आरजेडी कार्यालय के ठीक बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर बाकायदा सीआरपीएफ के जवानों को आप देख सकते हैं और कार्यालय में चूंकि कार्यकर्ता उतनी ज्यादा संख्या में नहीं है जैसी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दिए गए हैं। ये पुख्ता इंतजाम जो कि बिहार पुलिस भी यहाँ पर तैनात है और इसके अलावा सीआरपीएफ के भी आप जवानों को देख सकते हैं और शील्ड लेकर तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम होते हैं उसको लेकर के ये लोग यहाँ पर खड़े हैं। और आंकड़ों की बात करें तो बिल्कुल कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। किसी सीटों पर अगर जेडीयू आगे तो किसी सीटों पर आरजेडी यानी महागठबंधन आगे चल रही है, लेकिन कार्यालय के बाहर जाहिर सी बात है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये इंतजाम जो है वो कड़े कर दिए गए हैं और अभी भारी संख्या में और ज्यादा जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर आने की संभावना वो जताई। देखिए ये जो दफ्तर नीतीश्री जहां पर मौजूद है वहीं आगे पीछे दो और पार्टियों के दफ्तर है, कांग्रेस का भी दफ्तर वहीं पर है, जेडीयू का भी दफ्तर वहीं पर है, लेकिन अभी इन तीन पार्टियों के वीआईपीस का क्या हाल है? अब मैं आपको वीआईपी वॉल की तरफ ले चल रही हूं और जल्दी से फटाफट अंदाज में आपको बता देते बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में इस मैच में कौन आगे कौन पीछे चल रहा है। चेतन आनंद सिंह आरजेडी की तरफ से आगे चल रहे हैं, सिर्फ 457 वोटों से आगे चल रहे हैं, शरफुद्दीन को 457 सीटों से पछाड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं ये देखिए आलोक रंजन बीजेपी के, लवली आनंद आरजेडी की, लवली आनंद पीछे चल रही हैं 6,817 वोटों से। इस वक्त आलोक रंजन बीजेपी के, लवली आनंद को 6,817 वोटों से पछाड़ते हुए रुझानों में नजर आ रहे हैं। फिर बता दूं 243 सीटों के रुझान आ चुके हैं लेकिन अभी भी तस्वीर साफ होते होते 2 घंटे लग जाएंगे। चंद्रकर राय जेडीयू चले गए, छोटेलाल राय आरजेडी में पीछे 65 वोटों से चल रहे हैं छोटेलाल राय। चंद्रकार राय आप समझ लीजिए बार बार यहां से चुनाव जो है अपने काबू अपने कब्जे में करते आए लेकिन इस बार सिर्फ 65 वोटों से आगे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के 3,637 वोटों से मुरारी मोहन झा से आगे चल रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी का वो वीडियो आपको याद होगा जब उन्होंने डेप्यूटी सीएम बिहार के ये कहा था कि अरे वो तो आप ही तय करेंगे, आप ही की सरकार आएगी, और उसके बाद कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर बताया गया है। मुकेश सहनी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी 2,211 वोटों से यूसुफ सलाउद्दीन जो कि आरजेडी की टिकट पर लड़ रहे हैं उनसे आगे चल रहे हैं। ये देखिए समरी बख्तियारपुर सीट की टक्कर आपने देखी, अभी और भी वीआईपी मैदान में है लेकिन सुमित कांटे की टक्कर साफ दिख रही है, 122 नीतीश प्लस तेजस्वी 112। मेरी नजर तो वो 6 और 3 पर बनी हुई है, 6 पासवान और 3 अन्य। देखिए केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है वो ज्यादा देने की स्थिति में होती है। क्या देना बता रहा हूँ, साफ साफ बताइए। हाँ, केंद्र में सत्ता में भागीदारी मिलेगी अगर पासवान बीजेपी के साथ आते हैं, राज्य में सत्ता में भागीदारी मिलेगी, जो उनकी इच्छा है उनकी मां को राज्यसभा सीट मिल सकती है, उनके बॉस यहां नरेंद्र मोदी होंगे अगर वो आरजेडी के साथ जाते हैं। उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं विपक्ष में बैठेंगे, हम किसी के साथ पोस्टपोल अलायंस, उनके प्रवक्ता से पूछ के थोड़े पासवान तय करेंगे, पासवान अपना राजनीतिक फायदा देखेंगे, अभी तक तो कहना जरूरी है जब तक वो फैसला नहीं करते। चिराग पासवान जब तक फैसला, सवाल सौदेबाजी का है, जब तक आपका सौदा नहीं पड़ता है आप यही कहेंगे आप विपक्ष में बैठेंगे, सवाल ही नहीं कि हम उनके साथ खड़े हों। नीतीश हमें करेंगे सौदेबाजी होने वाली है, अरे ये तो बिल्कुल साफ है, इशारा नहीं कर रहा हूँ, साफ कह रहा हूँ कि सौदेबाजी होने वाली है और आप साफ कहेंगे हम नीतीश के साथ नहीं जाएंगे, सौदा पटा और आप मोदी की तरफ हो गए। अगर पूरे चुनाव प्रचार में देखें तो चिराग पासवान बड़े साफ तौर पे कहते रहे थे कि वो नरेंद्र मोदी के साथ हैं, मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा है, लेकिन लेकिन नीतीश कुमार के साथ नहीं है। नीतीश कुमार अगर अगर एनडीए एक साथ है, अगर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक साथ है तो पासवान क्या करेंगे? नहीं तो चिराग को क्या करना चाहिए? मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, एक शर्त आएगी जाहिर सी बात है कि कोई और चेहरा सामने आए। 3-6 का खेल सचमुच बहुत रोचक है और ये जो बार बार हम लोग कह रहे हैं, क्या हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूजन अपना डाल देते हैं नेता पर।
चिराग पासवान बहुत क्लियर हैं, सब कुछ खो के राजनीति कर में इस बार उतरे हैं और लंबे रेस के घोड़े हैं, आप मान के चलिए इस चुनाव में सबसे ज्यादा कंडीशन में होंगे वो। बद्री जी जो बात संगीता जी कह रही हैं अब सुन लेते हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव अब भी आगे चल रहे हैं, लेकिन भाई तेज प्रताप यादव हसनपुर से लगातार पीछे हैं। क्या इस कंडीशन में होंगे चिराग पासवान की अपनी शर्त मनवा सके कि नीतीश कुमार को हटाओ, किसी और को मुख्यमंत्री बनाओ, इन 6 सीटों के साथ 7 सीटों के साथ? नीतीश कुमार को हटाना उनके लिए मुश्किल है, लेकिन अगर वो प्रेशर क्रिएट करते हैं तो शायद एक ऑप्शन निकल सके, और अगर इनके 10 सीट आ जाते हैं तो वो फिर ये निगोशिएट करेंगे। विजय जी बोलना चाह रहे, देखिए अभी की स्थिति की बात करें, सिर्फ अभी की स्थिति की बात करें, आगे पीछे क्या होता कुछ कहानी, तो बीएसपी भी 2 सीटों पर आगे है, बीएसपी का भी साथ बीजेपी ले सकती है। बीजेपी और बीएसपी के बीच में उत्तर प्रदेश में एक नया तरह का गठबंधन हम लोग देख ही रहे हैं कि कैसे राज्यसभा में सीट दिलवाई, कैसे एमएलसी के मामले में। तो चिराग पासवान अभी किंग मेकर की भूमिका में मुझे नहीं लगता कि अभी आए हैं। सुमित, मेरी जब चिराग पासवान से बात हुई थी तो मुझे पता नहीं क्यों लगा कि एक सेफ रूट उन्होंने तैयार रखा हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि वो जो संकल्प लेकर आए थे वो संकल्प से मैं अग्री नहीं करता हूँ, दो पार्ट दूसरा लेकर आए मैं उससे अग्री नहीं करता हूँ, क्या पता कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर किसी तरह का कोई आ जाए तो वो मानने को तैयार हो जाए। कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं होगा, वो जो दिबांगी बात कह रहे थे वो बिल्कुल सही है, सौदेबाजी की। वो पहले कहेंगे नीतीश कुमार को हटाइए मुख्यमंत्री से, उनको मालूम है कि नहीं हटाया जाएगा, तो कहेंगे अगर हमको ये जहर पीना है तो हमको ये और दीजिए, दिल्ली में ये दीजिए, हमको राज्यसभा में ये दीजिए। भाई एक्टर हैं और उनको अपना रोल बिल्कुल पता है कि हम बहुत बात कर रहे हैं। अजय कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय एक और बड़े नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। कैलाश जी स्वागत है आपका, 123 हमारे रुझानों में आप 123 पर हैं, 108 पर इस वक्त तेजस्वी का गठबंधन है। मैं पहला रिएक्शन कैलाश जी आपका लेना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि परिस्थितियां यहां से और सुधर भी सकती हैं, और क्या अगला सवाल, अगर नहीं सुधरी तो चिराग पासवान के साथ जाएंगे आप, उनका समर्थन लेंगे आप? देखिए अभी कुछ भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी, मुझे लगता है कि शाम तक आने दीजिए, एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास भी जो फीडबैक आ रहा है उसमें बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है और हम लोग काफ़ी जगह आगे हैं, और इसलिए शाम तक आते आते मुझे लगता है एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, और यदि उसके बाद यदि कुछ परिस्थितियाँ बनी तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा, पर अभी कुछ भी टिप्पणी करना इस बारे में। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कैलाश भाई, लेकिन आप ये बात तो मानेंगे ना कि चिराग पासवान तो घर के बेटे हैं, साथ में रहे, नरेंद्र मोदी जी की लगातार तारीफ करते रहे, तो उनसे बात करने में दिक्कत नहीं होगी, झिझक नहीं होगी? आपकी सलाह मैं मान लेता हूं और अपने नेतृत्व को जरूर बताऊंगा कि आपने सलाह दी। मेरे साथ अजय कुमार जी हैं। अजय जी आप बताइए, आप रहिए मेरे साथ, अजय कुमार एलजेपी के प्रवक्ता हैं। अजय जी दिबांग कह रहे हैं कि सौदेबाजी शुरू हो जाएगी, प्रदीप जी कह रहे हैं कि दिल्ली में कुछ मांगा जाएगा, क्या आपकी कंडीशन होगी कि नीतीश को हटाओ तब हम समर्थन दे देंगे एनडीए को? मैं दिवांग जी और सुधीर जी से तय करके आगे की राजनीति तय करूंगा, मैं सुन रहा था चिराग जी तक इन दोनों के विचार और इन दोनों का अनुभव पहुंचा दूंगा। आप यहां पे एक्टिंग कर लें, चिराग पासवान तो एक्टर हैं बाय प्रोफेशन और अब नेता के तौर पे वो स्पष्ट जनादेश के लिए उतरे हैं और आज भी हम उसी निश्चय पे कायम हैं, लेकिन तब तक के लिए स्टूडियो की ये एक्टिंग दोनों भाइयों को मुबारक। लेकिन आप ये तो बताइए मेरे सवाल का जवाब कि क्या ये कंडीशन रख सकती है एलजेपी कि नीतीश कुमार को हटाइए, हमारा समर्थन ले लीजिए? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या और क्यों का कोई सवाल ही नहीं है। एलजेपी को पहले कहा गया वोट काट देंगे, फिर कहा गया देखिए, अरे हमारे चैनल पर हमारे कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में ये कहा चिराग ने कि नीतीश जी अगर दिल्ली की राजनीति में चले जाएं तो उनको दिक्कत नहीं है, ऑन रिकॉर्ड बोल के गए हैं वो, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर ये आंकड़े आए तो आप मान लेंगे ना कि चिराग की शर्त को नीतीश मान ले, हट जाए? कुछ चीजें ईवीएम पे छोड़ते हैं, लेकिन जो चीजें रेखांकित की जा सकती है जिससे आपको कोई गुरेज नहीं होगा और ना आपके पैनल में, वो मैं घोषणा करता हूँ। राजीव रंजन ब्रेकिंग न्यूज ले लीजिए, ब्रेकिंग न्यूज ले लीजिए, आज मंगलवार है और मंगलवार का दिन हनुमान का होता है, बाकी बिल्कुल मंगलवार का दिन हनुमान का होता है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का था और यहाँ पर लगता है कि आप चिराग पासवान का इशारा कर रहे हैं। राजीव जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या एलजेपी की शर्त अगर आई, इतनी कड़ी शर्त, क्योंकि वो नीतीश जी के खिलाफ बोलते रहे, नीतीश जी को जेल भेजने की बात करती रहे,
तो क्या आप लोग कंफर्टेबल होंगे जिस गठबंधन में चिराग पासवान हो उस गठबंधन में नीतीश कुमार भी हो? देखिए, अब तो वोट मांगने का दौर अब खत्म हो गया और नतीजे बिल्कुल स्पष्ट जनादेश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है अपने बलबूते एनडीए में शामिल चारों दलों को एक प्रभावी बहुमत मिलेगा और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। ये तो आप वही बात बोल रहे हैं जो आप बोलना चाहते हैं। सवाल मेरा कुछ और था कि क्या आप गठबंधन के मदद ले सकते हैं चिराग पासवान की कि नहीं, मदद ले सकते हैं कि नहीं चिराग पासवान की, हाँ या ना? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे फैसले आप भी जानते हैं, स्टूडियो विमर्श में ऐसे फैसलों पर बात नहीं हो सकती और पार्टी प्रवक्ताओं की भूमिका बहुत ही सीमित होती है। फैसले शीर्ष के स्तर पर लिए जाएंगे और मैं समझता हूँ वैसी परिस्थिति आने वाली नहीं है। जिस दायरे में आप बंधे हुए हैं उस दायरे में हम पत्रकार नहीं बंधे होते, तो हम आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं और विश्लेषकों से भी कुछ भी। तो शशि जी, आप बताइए, क्या नीतीश कुमार के लिए घातक होगा कि वो जिस चिराग पासवान ने पूरा कैंपेन उनके अगेंस्ट में किया उनकी मदद ले सरकार बनाए रखने के लिए, दोबारा बनाने के लिए? असल में ये सवाल जो है इस समय की उपज है, इसीलिए इस समय के हिसाब से उत्तर दे रहा हूँ। स्थितियां बदलेगी, जो मैं आपसे कह रहा था डिस्क्लेमर। तो इस समय के हिसाब से ये बात सही है कि हनुमान जी की एक भूमिका दिख रही है और हनुमान जी की भूमिका इसलिए दिख रही है क्योंकि इस समय के हिसाब से बीजेपी 67 सीटें जीत रही है, 50 सीटें आरजेडी, 50 सीटें केडीयू जीत रही है। मतलब साफ है कि थोड़ा सा बीजेपी की भी इच्छाएं जागृत हो सकती हैं। वो भले ही कल तक कहते रहे हो कि नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो अभी स्थितियां कुछ बदल सकती हैं। स्थितियां बदल सकती क्या बीजेपी चाहेगी कि अपना मुख्यमंत्री? नहीं, मुझे हटा। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक बीजेपी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार को वहां से हटाया जाए। उसके बाद भी अगर उनकी सहमति होगी तो उनको केंद्र में लाया जा सकता है। आंकड़े बदल गए, बहुत तेजी से बदल रहे हैं। एक बार फिर से एनडीए बहुमत, रुझानों में किसी को बहुमत नहीं है। ये लीजिए, एक बार फिर से आंकड़े पलट गए हैं। 243 सीटों के रुझान अब कई जगह पर आप देखिए धीरे धीरे ये नतीजों में तब्दील हो रहे होंगे। एनडीए बहुमत बनाते बनाते फिर पीछे आ गई 121 पर। अब इस वक्त किसी को भी बहुमत नहीं है। 121 पर नीतीश प्लस है, तेजस्वी 108 पर है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, एनडीए 121 पर है, गठबंधन 109 पर है, रुझान सारी सीटों के आ चुके हैं, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में इस वक्त दोनों ही पार्टियां नहीं दिख रही है। नीतीश प्लस क्लोज जरूर है अगर पासवान और अन्य उनको मदद कर देते हैं, क्योंकि किंग मेकर की भूमिका में साफ तौर पर पासवान नजर आ रहे हैं। राजीव रंजन जी हमारे साथ बने हुए हैं, सापरा साहब कांग्रेस से हमारे साथ है, कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर जरूरत पड़ी तो पासवान, जिससे आपने कभी दूरी बनाई ही नहीं थी, केंद्र में आपके साथ थे, तो जाहिर सी बात है यहाँ आप उनको गले लगाने से पीछे नहीं हटेंगे? देखिए, परिस्थिति के ऊपर निर्णय करेंगे। पासवान जी, ये बात सही कि केंद्र में हमारे साथ हैं और बिहार में भी अगर आवश्यकता पड़ी तो, अभी तो कोई निर्णय बात करना जल्दबाजी होगी, पर शाम को परिणाम के बाद इसके बारे में विचार करेंगे। पर मुझे लगता है कि लेकिन एक तरफ तो इशारा कैलाश साहब आपने कर दिया ना कि परिस्थिति जिस प्रकार फीडबैक ले के मद्देनजर जो है फैसला लिया जाएगा, यानी आप मना नहीं कर रहे हैं जैसा राजीव रंजन कह रहे हैं। राजीव जी, मान जाइए, सरकार जरूरी या पासवान से दूरी जरूरी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अभी तो तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट होने दीजिए। आप खुद मानती हैं कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी कोई आंकड़ों को लेकर के इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि स्पष्ट जनादेश हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर स्पष्ट जनादेश मिल रहा है तो फिर जोड़ तोड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक विश्वास है एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर, जनादेश बिल्कुल स्पष्ट मिलेगा एनडीए को और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनेगी। आप यहाँ पर बैठ
बैठकर गुणा भाग गणित की बात कर रहे हैं राजीव जी, और वहाँ जेडीयू ऑफिस पे आप देखिए जश्न मनाया जा रहा है, शायद इससे आपके चेहरे पर थोड़ी सी हंसी आ जाए। ज्ञानेंद्र मेरे सहयोगी वहाँ पर मौजूद है, आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जमकर रुझान बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए समर्थक भी पहुंच रहे हैं। और सुरक्षा बलों को देखिए यहाँ पर, उधर दिखाइए, पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है, सीआरपीएफ के लोग यहाँ पर लगा दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर अब तस्वीर इस जेडीयू दफ्तर की, जहाँ आपको भीड़ नहीं दिखाई दे रही थी, अब वहाँ इस तरह से भीड़ दिखाई देने लगी है, लोग यहाँ पहुँचने लगे हैं। और कुछ देर पहले नारेबाजी भी शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर लोगों को ये कहा गया कि भाई थोड़ा संयम बरतिए। तो अभी लोग ये जरूर है कि उत्साहित हैं, और ये लगातार ये लोग सोच रहे हैं कि एक बार फिर से जो रुझान बदला है उसके हिसाब से, ये देखे, ये देखे, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार कैसा हो, बिहार से बाहर हो, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार हो, एक बार फिर से यहाँ नारे लगने लगे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो रुझान के हिसाब से दफ्तर में बदलाव देख रहे हैं आप, उत्साह का वो अब बदल रहा है, और बहुत सारे लोग यहाँ एकदम संयमित होकर अंदर देखिए वो नतीजे देख रहे हैं, और उसके बाद ये तय होगा कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन फिलहाल बहुत शांति से लोग बैठे हैं, क्या कह रहा है रुझान? रुझान बहुत ही अच्छा आ रहा है, और एनडीए की सरकार बनने जा रही है, ये तो पहले से भी तय था, लेकिन वो एग्जिट पोल में लोग दिखा रहे थे, उसका तो उलट हर साल बिहार में हुआ है, फंसा हुआ है मामला अभी भी थोड़ा सा, नहीं बोलेंगे, नहीं नहीं हम लोग जीतेंगे, हाँ बिल्कुल। अब जो आगे पीछे हो रहा था, अब लग नहीं रहा कि कुछ होगा, सब स्पष्ट? देखिए ये 2-3 बजे तक स्पष्ट होगा, चैनल पर आगे पीछे होता रहता है, जिस हिसाब से बक्सा खुलता है उस हिसाब से, लेकिन नीतीश कुमार पुनः आ रहे हैं, ये अतुलनीय है, ठीक है, इनका कोई विकल्प नहीं है बिहार में, जनता जानती है कोई विकल्प नहीं है। देखिए यहाँ सब बैठ कर नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, और बाहर जेडीयू दफ्तर के बाहर नारेबाजी भी शुरू हो गई। तो कुल मिलाकर अब तस्वीर बदलने लगी है, जो आगे पीछे चल रहा है, और अभी जो रुझान बता रहा है वो एनडीए के पक्ष में बता रहा है, और इसलिए जेडीयू दफ्तर के अंदर समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है, और नारेबाजी का भी दौर शुरू हो गया है। कैमरा, समय कितना भारी होता है, अभी कुछ देर पहले ही उल्टी तस्वीर थी बिल्कुल, अब चीजें बदलती जा रही हैं। तेजस्वी यादव उनका गठबंधन पीछे छूट गया है, और जब तस्वीर बदल रही है तो जाहिर तौर पर कार्टून भी बदलेगा। इरफान क्या कह रहे हैं आप? एकदम बदल गया है, मैं तो कुछ और ही बना रहा था, आपके साथ ही चल रहा था, लेकिन ये अचानक ही देखिए एग्जिट पोल को एंजॉय कर रहे थे तेजस्वी, और अचानक ही पीछे से टूटा फूटा जो तीर है जो जुड़ा हुआ है अपने आप में, देखिए आप, और वो आके उनकी, हाँ जेडीयू का निशान उनके पीठ में आके घुस गया है वो, अब उससे छुटकारा वो कैसे पाएंगे ये देखने वाली होगी बात। उसके पहले मैंने ये कार्टून भी बनाया था एक, जिसमें एक लॉकडाउन बिहार को बताया था, जिसमें पलायन जो है बिहार की तरफ से हो रहा है, बिहार की तरफ नहीं हो रहा है, पलायन बिहार की तरफ से लग रहा था कि हो रहा है, लेकिन ऐसा शायद नहीं लग रहा है अभी। तो चीजें कार्टूनिस्ट की नजर से आपने देखी, साफ तौर पर इशारा हो रहा है कि उड़ता तीर वो पहुंच गया है तेजस्वी यादव के पीछे। आप परेशान क्यों पति जी? नहीं मैं परेशान नहीं हूँ सुमित जी, मैं मुझे ये लग रहा है कि ये देखिए जनतंत्र ऐसा का खेल ऐसा होता है जो हम सारे लोगों की व्याख्याओं को कई बार तोड़ मोड़ देता है और नई व्याख्याओं के लिए चैलेंज खड़ा कर देता है। हम परेशान इसलिए अगर हैं तो इसलिए हैं क्योंकि जनता, बिहार की जनता इस चुनाव को अचार की तरह क्यों बना दी, जिसमें कि बहुत क्लियर टेस्ट आने में थोड़ा समय लग रहा है। मुझे लगता है कि आरजेडी के अगेंस्ट में भी मैंडेट है, उनकी सीटें कम हो गई, पिछली बार वो 82 पे थे, वो 73 के आसपास दिखाई दे रहे हैं, कैसे देखेंगे आप इसको? देखिए एक तरफा चुनाव शुरू हुआ था और चुनाव आते आते काफी क्लोज, और फिर एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त, तो चुनाव तो बदला है निश्चित रूप से काफी कुछ। और मुझे अब जो फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण लग रहा है तेजस्वी के इमरजेंस के अलावा, वो जेडीयू बीजेपी की लड़ाई है, जो बहुत पहले तो लग रहा था कि एकजुट है मामला और जो भी अमित शाह कहेंगे वो माना जाएगा और नीतीश कुमार ही नेता हैं और वो, लेकिन अंदर अंदर कितना कुछ चलता रहा है आखिरी दिन तक, और अभी भी चलेगा, अभी जो सीन दिख रहा है उसमें ये चलेगा। तो अगर ये लड़ाई नहीं होती तो इसका मतलब चुनाव फिर भी वही एक तरफा। तो तेजस्वी के पिछले ये जो जेडीयू कहा जा रहा है कि इतना कोलैप्स नहीं कर रहा है, जो सुबह से हम बात कर रहे थे, वो मुझे लगता है समय एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि उस तरह से कोलैप्स नहीं कर रहा है जिस तरह से हम बात अभी तक कर रहे थे, तो ये अभी आगे कैसे ये परिवर्तित होगा सुमित? कम है, लेकिन हम सुबह से ये बात कर रहे थे ना, बिल्कुल एक
कहानी कुछ और थी और अभी ये लग रहा है कि जो कोलैप्स यानी ध्वस्त हो गया। पिछले तीन हफ्ते से हम और अभय जी एक बात कह रहे थे लगातार कि अगर महागठबंधन की सरकार बननी है तो आरजेडी को MY प्लस लाना पड़ेगा, MY में अलग और वोट जोड़ने पड़ेंगे तभी सरकार। प्लस नहीं आया, वो प्लस शायद माइनस ही रह गया। एनडीए को एक बार फिर से बहुमत मिला, रुझानों में एक बार फिर से एनडीए को बहुमत मिल गया है। तेजस्वी का गठबंधन यूपीए पीछे चल रहा है, 122 रीतीश, तेजस्वी 108, पासवान 7, अन्य 6, और कुल मिलाकर जो आंकड़ा है वो साफ तौर पर स्पष्ट कर रहा है कि अब लग रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जिस तरह के रुझान अब तक हमारे सामने, जिस तरह के अब तक के नतीजे, हालांकि अभी तक एक भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जो रुझान है वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की वापसी हो रही है, और शायद इसीलिए जेडीयू दफ्तर में खुशहाली भी मनाती दिखाई दी थी। अभी जो रुझान है उनके पक्ष में दिख रहे हैं जाहिर तौर पे एनडीए के, लेकिन एक चीज सुमित मैं यहाँ पे लाना चाहूंगी कि आप दोनों का अगर तेजस्वी के सामने की चुनौती देखें, उनके सामने चुनौती क्या थी कि बिहार के लोगों को इस बात का भरोसा दें कि वो अपने जातिगत और सामाजिक जो उनका एक मेल बना हुआ है उससे ऊपर उठकर वोट दें, उससे बाहर जाएं। पूरे चुनाव की कैंपेन वो अकेले संभाले हुए थे, जबकि उनके अगर आप अगेंस्ट देखें उनके सामने जो लोग थे बड़े बड़े चेहरे थे। तो वैसे में तेजस्वी ये अच्छी लीड लिए हुए हैं और इसके लिए उनकी तेजस्वी को लूजर नहीं कहना चाहिए, ठीक है। रूबिका, कुछ आंकड़े दिखाना चाहती हूँ। देखिए, जब LJP से और LJP अलग हो गई थी NDA से, उसके बाद कई ऐसे टिकट ना मिलने पर, JDU के खाते में चले जाने पर, ऐसे बहुत से 50 कम से कम ऐसे नेता थे जो उम्मीदवार बनना चाहते थे, इस उम्मीद में इंतजार करते रहे, लेकिन आखिरकार उन्होंने या तो आदर्श का दामन थामा, अन्य का दामन थामा, या फिर LJP। ये देखिए, तरारी में सुनील पांडे आगे चल रहे, ठाकुरगंज में गोपाल अग्रवाल आगे हैं, ये सारे वो निर्दलीय जिन पर आपको ध्यान रखना चाहिए। एनडीए 122 पर है, निर्दलीय कांटी तरारी इन इलाकों में आगे चल रहे हैं, जैसे सुनील पांडे कांटे की टक्कर यहाँ पर तरारी में आगे चल रहे हैं, ठाकुरगंज में भी निर्दलीय आगे चल रहे हैं, और ये तीनों अगर जरूरत पड़ती है तो बहुमत के लिए कहीं भी जा सकते हैं, इस बात पर आपको ध्यान रखना होगा। तो नीतीश सरकार बनाने के नजदीक रुझानों में दिख रहे हैं, 243 सीटों का यहां पर रुझान आ चुका है, 122 नीतीश प्लस, तेजस्वी 108 प्लस। ABP News आपको रखे आगे।